कैसा लग रहा है फिर तेरे को आज? बहुत अच्छा। अब पड़ेगी द्वितीय धार, इसको कहते हैं शाव जतु चतुर बाघ जतु बल्ली। तुले जान है। सभी मित्रों को नमस्कार। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं दीप पाठक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यार आज है दीपावली का तीसरा दिन यानी कि भाई दूज। तो आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज के दिन चूड़ों से जो बहनें हैं अपने भाइयों का सिर पूजन करती हैं, और जो चूड़े होते हैं वो दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन उनको कूट करके बनाया जाता है। और फिर आज भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों का सिर पूजन करती हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ खुद मेहरबान लग रहे मम्मी आज क्या ले पता ने आज मेहमानों ने संभल दिया फिर तो मेहमानों के लिए बन रहा है यार पकौड़े वकौड़े बन रहे हैं। हम ना हो रहा है मेहमान जी के खाना। और अब बन रही है पूरियाँ। देखो यार इसको फुलाने के लिए ना ऐसे करके हल्का हल्का दबाना पड़ता है ये, और ये पूरी फूल गई। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ये, वाओ ये। और इसमें बन रही है खीर, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है यार ये, देखो ना वाओ जबरदस्त। सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, और उसके बाद जो ये चूड़े हैं इन चूड़ों का भी पूजन करते हैं। तो इसकी अभी आरती वगैरह की जाएगी। और इस कटोरे में तेल है, और जो ये हल्दी है और ये दूब है मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था जिसमें चूड़े कूटे जा रहे थे, तो उसकी जो तौली थी उसमें इसको रखा गया था, और उसी दूब से आज ये सिर पूजन किया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये है, और मंदिर में पूरी पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है, आरती वगैरह हो गई, और अब टीका वगैरह लगाते हैं। और अब जो ये तेल है इस दूब के द्वारा इसको सिर में लगाया जाएगा। चतुर है बाग जतु बलवान हुए, और धरती जतु चको आसमान जतु लंबे है। आहा कद बल रूपसी बान रूपसी बानी। फिर ये देखो ये लग गया टीका, और कब्बू फैशन वाली भी यार तेल कम कम लगा के रही है, ज्यादा लगाते हैं आजकल के लोगों को क्या हो गया होगा कह रहा हूँ, ये फैशन इतना है ना अब यार तेल लगाना अच्छा हुआ, मतलब द्वितीय धार कहते हैं ना, द्वितीय धार पड़ रही है भी ये, और द्वितीय धार ये डालने नहीं दे रही ज्यादा तेल। तो जी रे जैग रे यो दीन यो बार यो मास भेटने रे कब्बू कर गया मेरा सिर पूजन। तेल कम कम लगाना अपने टाइम पे। अब पड़ेगी द्वितीय धार, इसको कहते हैं द्वितीय धार। पहले ना जब हम छोटे छोटे थे ना तो मम्मी और अम्मा क्या करते थे, इस तेल को निकाल करके पूरा का पूरा सिर में ऐसे डाल देते थे, और सारा सारा तेल यहाँ से नीचे को बहने वाला हुआ ऐसे करके चपड़ गंजू सा बना देते थे यार हमको, चंपू जैसा। अब अकल आ गई मम्मी को भी तो कम कम डालती है। मम्मी को तो अकल ही हुई और बच्चों को आ गई ना अकल। अच्छा आहा खर्म फूल गजब। सिर पूजन का प्रोग्राम तो हो गया हम लोगों का, और अब पेट पूजन करना है। क्यों हाँ। कब्बू को लग गई भूख, गद्दा को लगी है। तो यार पकवान में पकौड़े और खीर बन चुकी है, तो अभी नाश्ता के रूप में पकौड़े और खीर खा लेते हैं, और फिर उसके बाद दिन में दाल और चावल बनेगी। किसका इंतजार कर रही है? लड़की का। अच्छा आज तो मम्मी के चेल जवाए आ रहे हैं, तो चेल जवाए का इंतजार हो रहा है मम्मी का, और अभी मिलाते हैं आप लोगों को भी। और वो देखो कब्बू कैसे इंतजार कर रही है अपने जीजा जी और दीदी का। ये और कैसे हो? कब्बू पहचान नहीं रहा यार। जी रया जागी रया झुलल को यो दीन यो मास बैठने रया
शाव जतु चतुर बाघ जतु बल्ली धरती जतु चकाओ आकाश जतु लंब। इसे लंबे नहीं चाहिए यार आज के दिन ना, मतलब तेल जो द्वितीया दाल होती है, द्वितीया दाल डालने के बाद तेल इतना ज्यादा हो जाता है ना सिर में। अब इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी भी बना सकते हैं। कैसा लग रहा फिर तेरे को आज? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। बढ़िया बढ़िया। तो यार सिर पूजन वगैरह हो गया और अभी अब खाना वाना चल रहा है अभी दिन का, तो खाने में ही बने हैं जैसा भी है घर का खाना। बहुत और अच्छा करते हैं शुरुआत खाने की। अब वो भी खाना लाने वाली होगी इसलिए वापस हुई है बस। यार अभी आए और अब जाने का भी टाइम आ गया है, तो तैयारियां शुरू होने लग गई जाने के लिए। बहू बेटियां ना जब भी ऐसे करके जाती हैं घर से ना, तो उनको अक्षत दिया जाता है और डेली परखना कहते हैं इसको, डेली पूजना। तो यहाँ पर मंदिर की पूजा वगैरह करते हैं। जाना भी एक मजबूरी है फिलहाल, क्योंकि ना भांजा हमारा प्यारा सा अभी घर में इंतज़ार कर रहा है, तो उसको भी मम्मी की याद आ रही होगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम अभी कुछ दिन बाद और आ जाएंगे, तो करते हैं इनको विदा भी यहाँ से। ओके बाय बाय, टेक केयर। कब्बू की हो रही तैयारी कहाँ को? बर्थडे में जाने लग गई। भाई साहब ये देखो ना चुपोड़ी के मुंह पे। कल्लू को लग रहा है पूजा का उदास। अरे कल्लू पूजा का उदास लग रहा है, चुपचाप बैठा आज। तुले जान है मम्मी भी जा रही है यार बर्थडे में, कब्बू भी जा रही है और मेरे को घर का काम बता रखा है। अभी कब्बू ने कल जाना है हल्द्वानी, तो वहाँ के लिए भी कुछ सामान वगैरह रखना है, थोड़ा सा ककड़ी वगैरह अमरूद रखे हैं, तो अमरूद वगैरह चाची लोगों के लिए वो तोड़ के ले आता हूँ। हाँ आ गई यार ये तो बर्थडे से। अभी नहीं आना था क्या? क्यों लेट आना था? इतना टाइम लगा दिया वहाँ। क्यों नहीं, क्या क्या किया फिर बर्थडे में? 4:30 बजे तो हम गए। अच्छा नमकीन बिस्कुट और क्या लाई है? और कुछ नहीं। अच्छा ये मेरे नमकीन बिस्कुट लाई है यार, ये कब्बू का है। अच्छा तो मम्मी का है। तो अब अंधेरा भी होने को है और वीडियो भी लंबी बनते जा रही है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।